स्वागत है आपका हमारे चैनल आहूजाज किचन पर। आज हम बनाएंगे मसाला लच्छा पराठा। अगर आप खाने से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लच्छा पराठा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट चाहिए 2 बोल आटा, गरम मसाला, नमक, देसी घी, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, चाट मसाला, कलौंजी, मैगी मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, अजवाइन, हरा धनिया और पुदीना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पराठे के लिए आटा गूंदेंगे। उसके लिए हम एक बड़े बाउल में डाल लेंगे 2 छोटे बाउल आटा। इसमें घी डालकर हम इसे गूंदना शुरू करते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच अजवाइन हाथों से मैश करके डालेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम अच्छे से आटे को गूंद लेंगे। ये आटा गूंद गया है तो इसे हम ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम लच्छे पराठे के लिए मसाला बना लेते हैं। उस एक छोटा बाउल लेकर उसमें डाल लेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैगी मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर। इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा आटा भी हो गया है तो चलिए अब पराठा बनाते हैं। हम आटे की लोई लेकर उसे रोटी की तरह गोल बेल लेंगे। रोटी बेल चुकी है तो इस पर हम घी लगा लेंगे और ऊपर से डाल लेंगे मसाला, कलौंजी और हरा धनिया। ऊपर से और घी डालकर इसे ऐसे रोल कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें बिल्कुल ऐसे ही कर लेना है। फिर इसे सूखे आटे में पलौठन लगाकर इसे फिर से बेल लेंगे। ये बन गया है तो अब हम दूसरे पराठे के लिए दोबारा मसाला बना रहे हैं। इसमें हम ले रहे हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच जलजीरा, 1 चम्मच आमचूर पाउडर। इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम दोबारा से लोई लेकर रोटी बेल लेंगे। इसमें भी हम पहले की तरह घी लगा लेंगे और डाल लेंगे मसालों का मिक्सचर, पुदीना और घी डालकर इसे भी रोल कर लेंगे बिल्कुल इसी तरह।
इसे भी हम सूखे आटे में लगाकर फिर से बेल लेंगे। ये हमारा दूसरा पराठा भी रेडी है। अब हम तीसरे पराठे के लिए मसाला बना लेते हैं। इसमें हम लेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मैगी मसाला। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम दोबारा से लोई लेकर रोटी की तरह बेल लेंगे। इसमें भी हम पहले की तरह घी लगा लेंगे और डाल लेंगे मसालों का मिक्सचर। इसे भी हम रोल कर लेंगे बिल्कुल इसी तरह। इसे हम सूखे आटे में लगाकर फिर से बेल लेंगे। ये हमारा तीसरा पराठा भी रेडी है। अब हम इन्हें तवे पर सेक लेंगे। इसे हम पराठे की तरह पलट कर दोनों तरफ से घी लगाकर अच्छे से सेक लेंगे। ये अच्छे से सिक गया है, तो ऐसे ही हम दूसरा और तीसरा पराठा भी सेक लेंगे। ये हमारे 3 अलग अलग फ्लेवर के लच्छा पराठा बिल्कुल रेडी है। ऐसी और रेसिपी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल आहूजाज किचन पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। हम जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।